हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटी निराला। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अपने छत्तीसगढ़ में भी अब आयुष्मान कार्ड बनना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप एक कियोस्क संचालक हैं और आपके पास एक ही सिस्टम है या फिर एक ही सिस्टम में आप आयुष्मान का काम और कहना चाहिए कियोस्क का काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, उसका सेटिंग क्या क्या है, इस वीडियो में कम्प्लीट कवर करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं इस वीडियो में बता रहा था कि एक ही सिस्टम में आपको कियोस्क और आयुष्मान का काम किस तरीके से करना है, किस किस सेटिंग को करना है, जिससे आपको दोनों का काम आप एक ही सिस्टम में कर पाएँ। तो उसके लिए आपको अपने कंट्रोल पैनल में जाना होगा। सबसे पहले अपना कंट्रोल पैनल में जाना होगा, और यदि आप कोई सा भी बैंक जैसे ICICI, CRCB बैंक, HDFC इन सारे चीज का कियोस्क संचालित करते हैं, ठीक है, उसी सिस्टम में अगर आप आयुष्मान का काम करना चाहते हैं, और आपका जैसे मेरा ही छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का कियोस्क संचालित करता हूं मैं इसी सिस्टम में, ठीक है। तो इस सिस्टम में काम करता हूं जिसमें APS प्रॉपरली काम करता है और CIF भी ट्रांजेक्शन प्रॉपरली काम करता है, ठीक है। मतलब कियोस्क संचालन करने में मेरे को कोई परेशानी नहीं है। अगर उसी सिस्टम में मैं आयुष्मान का काम करना चाहूँगा उसी डिवाइस से, जैसे मैं मॉर्फो ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप मेरे कंट्रोल पैनल में देख सकते हैं मॉर्फो का लेटेस्ट वर्जन है, और इसमें मैं इसी डिवाइस में मैं आयुष्मान का काम करना करके बताऊँगा, जो कि फेचिंग न्यू डिवाइस, सॉरी लास्ट में जो एरर आता है उस एरर को ना आए करके किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन होगा उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको लेटेस्ट वर्जन आपको मॉर्फो को इंस्टॉल करना है, अगर मॉर्फो का लेटेस्ट वर्जन का जो आयुष्मान कार्ड के लिए सपोर्टेबल है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको अपने गूगल क्रोम का एक सेटिंग करना है, बस सिर्फ एक सेटिंग करना है, और आपके सिस्टम में आयुष्मान कार्ड और कियोस्क का दोनों का काम करना स्टार्ट हो जाएगा। उसका लाइव मैं करके दिखाऊंगा कैसे करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है, क्रोम फिर सेमी, यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, मैं कोई पता नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना। फिर आपको सर्च करना है, यहाँ पे वर्जन की जगह फ्लेक्स लिखना है, जैसे कि यहाँ पे आ गया। फ्लेक्स लिखने के बाद आपको इस तरीके से ओपन होगा आपके सिस्टम में, और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सर्च फ्लेक्स में आपको टाइप करना होगा लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट टाइप करेंगे तो यहाँ पर हैशटैग, ठीक है, यहाँ पे अलाउ इनसिक्योर लोकल होस्ट है, इस वाले को आपको अगर डिफ़ॉल्ट में रहेगा तो आपको डिसेबल रहेगा, उसको इनेबल कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे यहाँ पर रिलॉन्च का ऑप्शन आएगा, ठीक है, जैसे कि मैं अभी इसको डिसेबल करके दिखाता हूँ, इस तरीके से रिलॉन्च आया। अब मैं यहाँ पर आयुष्मान का आपको दिखाऊँगा, ठीक है, आयुष्मान पोर्टल में यहाँ पर लॉगिन करके दिखाऊँगा, और उसमें वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने वहाँ पे अभी डिसेबल किया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने आयुष्मान पोर्टल को लॉगिन करता हूँ और किसी का भी वहाँ पे सर्च पैरामीटर करके देखता हूँ, जैसे मैं अपना से यहाँ से लॉगिन किया, आपको अगर क्या बोलते हैं आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड इसमें कोई सा भी डिवाइस से रिलेटेड कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं, बट एनी डेस्क सर्विस आप लोग लेना उचित ना समझें, क्योंकि हम लोग चार्ज उसका ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समय ही कीमती रहता है। यहाँ पर सर्च बेनिफिशियरी करेंगे तो अपने को अभी डिवाइस का ही मैं आपको वर्क किस तरीके से करेगा उसको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे करके दिखाता हूँ आधार टाइप में, जैसे यहाँ पर मैंने फिंगरप्रिंट किया, और यहाँ पर फेचिंग बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन प्लीज वेट,
इस तरीके से एरर अगर आपके में आता है तो आपको जैसे कि मैंने कंट्रोल पैनल में करके दिखाया, उस वाले जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, उसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, बाकी आपको कुछ करना नहीं है, सारा चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने कुछ समय पहले बताया, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आपको डाउनलोड अगर निकाल लेना है, अगर सिंपल सा अगर करना चाहें तो, जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड की जगह मैंने यहाँ पे फ्लेक्स लिखा, ठीक है, फ्लेक्स लिखा। उसके बाद यहाँ पे सर्च फ्लेक्स में यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट टाइप किया, ये जो डिसेबल है इसको इनेबल करके रिलॉन्च करता हूँ मैं। रिलॉन्च जैसे करूँगा ये ऑटोमेटिक एक बार बंद होके आपका गूगल क्रोम ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। अगर इस केस में अगर ओपन नहीं होता है तो आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरा गूगल क्रोम ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं वापस से आपको दिखाता हूँ अपना आयुष्मान पोर्टल लॉगिन करके, ठीक है। ये सर्वर की वजह से भी और नेट की वजह से स्लो चल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा एक चीज़, लॉगिन टू BIS करते हैं तो कई बार फिंगरप्रिंट लगाने का ऑप्शन देता है, कई बार नहीं भी देता है। अगर तुरंत आप लगाए रहेंगे तो बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेट करने का ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, तो इसमें परेशान ना हो। जैसे मैं वापस से मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ, यहाँ पर बायोमेट्रिक टाइप में हमने ऑथेंटिकेट मोड में फिंगरप्रिंट सेलेक्ट किया, यहाँ पर फेचिंग बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन प्लीज वेट दिखा रहा है, कुछ देर इंतज़ार कीजिए। देखिए हमने अभी सिर्फ एक सेटिंग किया लोकल होस्ट का, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और मैं आपको कियोस्क लॉगिन करके दिखाता हूँ, इसी में कियोस्क लॉगिन अगर करता हूँ वो भी प्रॉपरली वर्क करेगा, APS वगैरह सारा चीज़ आपका कियोस्क से रिलेटेड, कोई भी परेशानी नहीं आएगा। एक ही सिस्टम में आप जैसे आपका ग्रामीण बैंक का अगर कियोस्क है जैसे कि मेरा है तो मैं उसका लॉगिन करके भी दिखाता हूँ, इसमें भी कोई परेशानी नहीं आएगा, एक ही डिवाइस में आप वर्क कर सकते हैं, एक ही सिस्टम में आयुष्मान कार्ड का काम और क्या बोलते हैं अपना कियोस्क का काम। जैसे कि मैं अभी लॉगिन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं ID सर्विस इंस्टॉल आया। अब मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा के अपना लॉगिन करता हूँ, आपको APS से अपना बैलेंस इंक्वायरी करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि ये रहा यहाँ पे APS में करके दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अपना देख सकते हैं, कोई किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने सिस्टम में, आयुष्मान कार्ड का भी काम कर रहा है और अपने कियोस्क का भी काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा सेटिंग करना बस रहता है और आपका दोनों काम करने लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो APS में भी काम करने लगा और यहाँ पर अपना कहना चाहिए ये अपना AYC क्या बोलते हैं आयुष्मान कार्ड का भी काम करने लगा, ठीक है। सिर्फ आपको एक चीज़ यह इंस्टॉल करना है, अगर आप अगर नए भी हैं, अगर कियोस्क का काम नहीं करते हैं तो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैं दूंगा उसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। अदरवाइज अगर आप लोग जैसे यहाँ से करते हैं जैसे मार्फो RD सर्विस, ठीक है, इस वाले साइट से अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं तो शायद वर्क ना करे, अगर वर्क करता भी है तो उसके लिए प्रोडक्शन फाइल की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं
तो ये वर्क नहीं करेगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देता हूँ वो आपको किसी भी परेशानी से हल कर सकता है। एक छोटा सा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, हमारे वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगर फिर भी आपको परेशानी आता है तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस जानकारी के साथ आपको आयुष्मान भारत और CRGB से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी आता है तो आप हमें कॉल करके हमारे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।